बाज लोग कहते हैं कि मैं मजदूर दोस्त, कुछ कहते हैं कि मैं फहिश्त हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं प्रोग्रेसिव हूं, तरक्की पसंद। ये क्या बेहूदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को तरक्की पसंद होना चाहिए। मुझ पर यह इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के जिन रिश्तों के बारे में लिखता हूं, वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की राल नहीं टपकती। बाज लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ऐसी कहानी क्यों लिखता हूं, क्यों ना लिखूं, क्यों ना लिखूं वेश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं? उनके यहां मर्द नमाज या दरूद पढ़ने तो नहीं जाते, उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसी क्यों ना बताया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? ये तो बुरा मान गए। हकीकत से इनकार करना कि आपको बहुत अच्छा इंसान बनाएगा। मेरे मुकदमे में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पे जोर देते हैं कि मेरी कहानी की कुछ किरदार की जबान गाली से भरे पड़े, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए उसे हजारों लोग अपनी जिंदगी में आमतौर से इस्तेमाल करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, जी हां आपसे, यार आप तो अजब चूती है, मैं यहां हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? ये जरूरी है कि वक्त के हिसाब से अदब भी अपना करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नामो निगार गुस्ताफ रॉबर्ट की कहानी मदम गुवारी पर भी फहिशी का इल्जाम लगा। आयरन की जेम्स जोन्स की किताब यूलिसिस को भी फैशी का इल्जाम झेलना पड़ा। यही नहीं, अपने वक्त के वली से लेकर गालिब तक हर किसी को कभी ना कभी इस तरह का इल्जाम झेलना पड़ा। तो यह कोई नई बात नहीं। पहले तो आप अपना नाम बदलिए, उसके बाद मुझसे मुखातिब हो। तो मैं कह रहा था कि देखो बरखुरदार, तुम ये हरगिज नहीं जानते दूसरे क्या महसूस करते, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। मैं बनाव श्रृंगार करना नहीं जानता, किसी की जलालत पर स्त्री करना नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। लेकिन अगर किसी बुरी शक्ल वाले को आईने से ही नफरत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं उस सोसाइटी की चोली क्या निकालूंगा जो पहले से ही नंगी है? मैं कोई हंगामा पसंद या सेंसेशनिस्ट नहीं। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और भी नुमाया हो जाए। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं पर अपने जमीर का क्या कर?